योजनाओं का लाभ मिला? अरे हमका का मिला, जो मिला सब सही है। नहीं लाभ तो अभी हमको कोई नहीं मिला भाई। कोई नहीं मिला? कोई योजनाओं का लाभ मिला? योजनाओं का लाभ मिले या ना मिले, सरकार से ही है, बस इतना हम जानते हैं। आप कुछ योजनाओं का लाभ उठा लिए? हाँ लाभ है, मिल रहे ना। एक बार फिर हम गांव की तरफ पहुंच चुके हैं और आज हम ई रिक्शे पे बैठे हुए हैं और एक ये भैया जो चालक है, हमने इनसे भी बातचीत किया और इन्होंने भी अपना दुख दर्द बताया है। लेकिन आज हमारा जो मुख्य उद्देश्य है और जो हम रिपोर्टिंग करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि जो 9 साल से ज़्यादा केंद्र सरकार की कार्यकाल हो चुका है, 10 साल पूरे होने वाले हैं, जो गांव वाले हैं उनको कुछ लाभ मिला है कि नहीं मिला है, इसी को लेके हम बातचीत भी करने वाले हैं। और यहाँ हम देखिए भैया हैं, हम सबसे पहले इन्हीं से बात करेंगे, उसके बाद ये दादी, हम इनसे बातचीत करेंगे। भैया क्या हाल है? बढ़िया है। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि हम आपके रिक्शे पे बैठे रिपोर्टिंग की करने के लिए आ चुके हैं, आप हमें ये बताइए कि जो केंद्र सरकार है यानी जो मोदी की सरकार है उससे आप कितना ज़्यादा सहमत हैं? कोई लाभ वाभ मिला? नहीं लाभ हमें तो कुछ नहीं मिला। नहीं मिला हमें? कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। अच्छा ये ई रिक्शा भी बताते बांटते थे कुछ? नहीं, अपने पैसे से खरीदा। हाँ। हमको नहीं मिला कुछ। कह रहे थे कि अगर जो है आप ई रिक्शा चलाना चाह रहे हो तो मुद्रा योजना या अन्य माध्यम से भी लोन उपलब्ध? योजना तो बिल्कुल सरासर गलत है। बैंक जाते हो तो बैंक वाले कहते हैं कि कोई ऐसी योजना ही नहीं है। अच्छा ये बात है। हाँ, कोई योजना ही नहीं है, यानी योजनाओं पे पलीता लगाते अधिकारी। हाँ, केवल अधिकारी। क्यों भैया, सही कह रहे हैं क्या? भैया जो कह रहे हैं सही है। अच्छा अच्छा, एक चीज बताओ, आप कितना ज्यादा केंद्र सरकार से सहमत हैं, मोदी सरकार से? मोदी सरकार से हम सहमत हैं। कोई योजनाओं का लाभ वाभ मिला? योजनाओं का लाभ मिले या ना मिले। हाँ। सरकार सही है, बस इतना हम जानते हैं। अच्छा, हिंदुत्व वाला मुद्दा हमको लगता है काम कर रहा है। क्यों? बस वही मुद्दा काम कर रहा है। आप भी कट्टर वाले हैं? कट्टर वाले हैं। अच्छा, कुछ मिले चाहे ना मिले लेकिन आप वोट मोदी को देंगे? देंगे पक्का। वाह भैया वाह, बहुत अच्छा। ये देखिए दादी भी है, हम इनसे भी बातचीत करते हैं। दादी कहाँ जा रही थी भाई, झोला वोला लेके? हम सौदा आने जा रही थी। अच्छा अच्छा, दादी बताओ कि जो मोदी को जानती हैं आप? हाँ जानती हैं। हाँ, आप उनकी दी गई योजनाओं का लाभ आप अभी तक पाए हुए हैं कुछ? पेंशन बंधी है अभी। अच्छा बंधी है। हाँ। यानी लाभ मिल रहा है? लाभ मिल रहा, लेकिन जाड़े में, यहाँ जाड़े से मतलब जाड़े में पैसा निकलवाए नहीं। हाँ। तब से कट गए ना, मतलब दोसर रहा तो दोसर कराए नहीं, तो अब कट गया वह। अच्छा, यानी जो पेंशन मिलती थी वो खत्म हो गई? हाँ खत्म हो गई है, लेकिन अब जौन है उसका देना है। अच्छा। हाँ। मिलने की उम्मीद है कि नहीं है? हाँ बनी बनी बोले है। हाँ, लेकिन कब मिलेगी कुछ पता नहीं है, 3 महीने के बाद। अच्छा अच्छा, चलिए ये देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। अरे तुम सुनो, तुम अपना बताओ तो मजा आए। क्या हाल है? ठीक है? हाँ बढ़िया है। अच्छा ये बताओ कि जो केंद्र सरकार है यानी मोदी की सरकार है उसकी जो योजनाएं तमाम चली, आपने लाभ वाभ कुछ उठाया उनकी योजनाओं का? नहीं लाभ तो अभी हमको कोई नहीं मिला भाई। कोई नहीं मिला? अच्छा, क्या कहोगे? अरे जो सरकार तो अपनी सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब नहीं मिल रहा है तो भाई कोई जोर दबाव नहीं है। अच्छा अच्छा, सरकार तो भाई सही है, हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो रोड वोड बन गई है? अब रोड तो हाँ बनी पड़ी है, रोड जो है यही है, पुरानी चल रही है अभी तक। अच्छा पुरानी चल रही है, नई नहीं बनी अभी? नहीं बनी। अच्छा अच्छा, तो ये देखिए। अच्छा ये बताओ तुम कौन से क्लास में पढ़ते हो बताओ? 6 पढ़ने जाते हो? मसाला खाते हो? स्वीटी। अच्छा स्वीटी से स्टार्टिंग करोगे? अच्छा, पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? पुलिस। तो स्वास्थ्य सही रखो, कुछ खाओ पियो है। अच्छा एक चीज़ बताओ कि एजुकेशन के लाइन में मोदी सरकार ने कुछ अच्छा किया है आपकी जानकारी में? नहीं मतलब जानते नहीं हो? चलो ठीक है। अम्मा कहाँ गई थी आप? अरे हम तो भैया हुआ रहे नारेपुर। अच्छा कहाँ गई थी? कहूँ ना ऐसे आए ना बाजार रहे। अच्छा बाजार घूमने आई हैं, सब्जी वब्जी लेने? हाँ। अम्मा एक चीज बताओ, मोदी को जानती हो आप? जानित का है नहीं भैया। अच्छा, तो पेंशन वेंशन मिल रही है 60 साल वाली? हाँ मिला था। मिलती है? हाँ। ये बात सही है ना? हाँ। अच्छा और शौचालय मिला? हाँ मिला, नहीं इनके नाम से नहीं मिला। अच्छा किसके नाम से मिला? मतलब इनके ससुर के नाम से मिला है। इनके ससुर के नाम से? वो जिंदा है कि नहीं है? नहीं वो तो एक्सपायर है। अच्छा उनका आया था तो आपके घर में बन गया? हाँ, बना है, बना है ना। यानी आप
कुछ योजनाओं का लाभ उठा लिए हैं। हाँ, लाभ मिल नहीं रहा है। ये जो 60 साल है विधवा पेंशन मिल नहीं रहा। हाँ, या तो मिल रहा। अच्छा। तो मोदी सरकार और योगी सरकार से आप संतुष्ट लग रहे हैं? संतुष्ट हैं। हाँ, हम तो संतुष्ट हैं। अच्छा, वोट किसको दोगे? हम योगी को देंगे। क्यों दोगे? देंगे कि जो हमारे लिए मतलब गौ सेवक में हम उसमें नौकरी कर रहे हैं ना, वैक्सीनेटर। अच्छा, टीकाकरण वाला, टीकाकरण वाले में, इसलिए हम उसी को वोट देंगे, मोदी को। अच्छा, तो सैलरी समय मिलती नहीं होगी, सच बताओ या ना बताओ? नहीं मिलती है, समय से आ जाती है। हाँ, चौथे महीना पांचवे महीना मिल जाती है। अच्छा, ये बात। दादा ये बताओ कहाँ जा रहे हो? देवाना जा रहे हैं। दादा ये बताओ कि मोदी सरकार के कार्यशैली के बारे में क्या कहोगे? अरे बहुत सही है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ओके। कोई योजनाओं का लाभ मिला? अरे हम का मिला, जो मिला सब सही है। अच्छा, तो काहे अच्छा लग रही है? कहीं हिंदू तो नहीं आप कट्टर वाले? अरे तो हिंदू नहीं तो क्या, कोई और कहेगा। तो यहाँ पर हमने ग्रामीणों से खास बातचीत की और ग्रामीणों ने अपनी अपनी बातें बताई। इस पर आप क्या सोचते नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूँ आपके साथ में श्रवण चौहान और कैमरे के पीछे है रामकुमार वर्मा। न्यूज़ 9 नेटवर्क, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।